सर, शिकार पहुंच गया है। रणधीर मोबाइल फोन पे मेजर रोहित से मुखातिब था। गुड, क्या हमारा मतलब आदमी भी साथ है? वो तो सबसे आगे है और इस टाइम मकान के अंदर है। रणधीर ने दूरबीन आंखों से लगाकर मकान के सेन में मुहतात अंदाज में चलते आतिब को देखकर कहा। वो उस वक्त एक 3 मंजिला फ्लैट की छत पे लेटा दूरबीन के जरिए उस मकान की निगरानी कर रहा था। बाकी आदमी उसने मुख्तलिफ इतराफ में बिखेर दिए थे ताकि वो जिस जानिब से वापिस जाए उनका ताकुब किया जा सके। बाहर उन्होंने लाजमन अपने आदमी निगरानी के लिए छोड़े होंगे। सर, ऐसा ही है। कितने आदमी हैं? 2 सामने से मकान में घुसे और 2 अगली साइड से, जबकि इतराफ में एक एक बंदा निगरानी के लिए बाहर छोड़ा है। काफी समझदार नजर आ रहा है आतिब, रोहित ने खुद कलामी की। जी सर, काफी खतरनाक दिखाई दे रहा है, रणधीर ने उसकी तायद करते हुए राय दी। क्या बहुत ही खौफनाक शक्ल है? रोहित का लहजा मजाया था। नहीं सर, खतरनाक से मेरी मुराद खौफनाक शबाहत नहीं है। शक्ल से तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म दिखाई देता है, अलबत्ता उसका अंदाज जाहिर करता है कि काफी मुश्किल टारगेट साबित होगा। ये तो जब उसका सामना मेजर रोहित से होगा तो मालूम होगा कि कितने पानी में है। नहीं सर, आपके सामने तो तफर मकतबी है, रणधीर के लहजे में खुशामद का अंसर नुमाया था। रणधीर, मैं जुरतमंद दुश्मन को पसंद करता हूँ। आपका बड़ा पन है सर, बहरहाल अगला इकदाम क्या होना चाहिए? इन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं, बस ताकुब करके आतिब का ठिकाना मालूम कर लेना, बाद में उठवा लेंगे। इस वक्त वो काफी तादाद में है, ये ना हो दौरान एक्शन कोई अपना बंदा जाया हो जाए। सिर्फ आतिब का ठिकाना मालूम करना है सर? हाँ, सिर्फ उसी का, बकाया का पता उसी से चल जाएगा। ठीक है सर, फिर 2 मोटरसाइकिल सवार उसके ताकुब में रवाना कर देता हूँ। यूं भी उनकी वापसी के रास्तों पर मैंने पहले से 2-2 मोटरसाइकिल सवार मुतयन कर दिए हैं। हाँ, 2 ही काफ़ी हैं, ज़्यादा रश बनाने की ज़रूरत नहीं, और जैसी उसका एड्रेस मालूम हो मुझे इतला कर देनी है। मैं उस वक्त अड्डे नंबर 3 में मौजूद हूँ, उसने अपनी रहाइश का कोड नाम बताते हुए कहा। ओके सर, मजीद कुछ नहीं, कुछ हुआ तो फ़ोन कर दूंगा, गुड बाय। रब्ता ख़त्म होते ही रणधीर ने एक मरतबा अपनी दूरबीन आंखों से लगाकर उनका जायजा लिया। वो जख्मी फैसल को गाड़ी में मुंतकिल कर चुके थे। आतिफ अभी तक मकान के अंदर ही था, उसके बाहर आते ही वो सब वहां से चल पड़े। उनके जाने के सिमत का तोइन होते ही उसने एक नंबर मिलाकर कहा, किरण तुम्हारी जाने पा रहे हैं, तुम्हारे साथ दूसरा कौन है? महेश है सर। ठीक है, तुमने उनका ताकुब करना है, और ध्यान रहे हमें सिर्फ आतिफ का एड्रेस दरकार है। किरण मुस्तफसर हुआ। आतिब कौन सा है सर? जो तमाम से कम उम्र नजर आ रहा है, ब्लैक कार को ड्राइव करने वाला वही है सर। अगर मौका मिलो तो उड़ा दें। बेवकूफ, अगर उन्हें मारना होता तो मकान में ही बड़ी आसानी से खत्म किया जा सकता था। सॉरी सर, मैंने सोचा शायद उसे हलाक करना है। अच्छा, अब एहतियात से उनका ताकुब करना है, हल्की सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कहने की जरूरत तो नहीं कि इस आदमी का एड्रेस रोहित साहब को दरकार है, जो नंबर 3 में बड़ी बेसब्री से तुम्हारी इतला का मुंतजर है। इसका मतलब है मेजर साहब को बराह रास्त रिपोर्ट देनी होगी। उन्हें बराह रास्त भी आगा कर सकते हो, मैं भी मुंतजर हूँगा, मुझे भी बता सकते हो, जिसे दिल चाहे बता देना। भगवान ने चाहा तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर, और मुझे कारें नजर आ गई हैं। ओके, गुड बाय, और एहतियात से, रणधीर ने रब्ता मुनक़ते कर दिया। सर, एक मोटरसाइकिल सवार काफी देर से हमारे ताकुब में है, आतिब के कानों में इमरान की आवाज़ गूंजी। मुझे पहले ही शक था कि ऐसा होगा, बहरहाल अनजान बनकर चलते रहो, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ, कहकर आतिब ने मोबाइल निकाला और किसी का नंबर डायल करने लगा। रब्ता होते ही वो बोला, हेलो अख्तर, आतिब बोल रहा हूँ। सर, आपका नंबर है मेरे पास, अख्तर मोतवाना लहजे में बोला। इस वक्त कहाँ हूँ? नेशनल स्टेडियम के करीब हूँ सर, एयरपोर्ट जा रहा हूँ। अकेले हो? सगीर साथ है सर, बाइक पे हो या? जी सर, दोनों के पास बाइक है। अच्छा, यूँ करो कि सगीर को साथ लेकर शाहरा फैसल पे आ जाओ, हम शाह फैसल कॉलोनी की तरफ से आ रहे, ब्लैक और क्रीम कलर की टोयोटा करोला में, दोनों कारें तेरी देखी वाली हैं। एक मोटरसाइकिल सवार हमारे ताकुब में है, तुम दोनों ने उसका ताकुब करना है, मोटरसाइकिल सवार 2 या 3 भी हो सकते हैं, इसी तरह कोई दूसरी गाड़ी भी हमारे ताकुब में हो सकती है। तुम दोनों ने खूब एहतियात से उनकी निगरानी करनी है, और कोई कार्रवाई करने से पहले मुझसे मशवरा ज़रूर कर लेना। सर, आपका रुख किस तरफ है? हम शाह फैसल कॉलोनी की तरफ से आ रहे हैं और जिना हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है सर, हम पहुंच गए। ओके, खुदा हाफिज़। सर, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, एक दूसरा मोटरसाइकिल भी नज़र आ रहा है। वायरलेस कनेक्शन की वजह से वो सारे एक दूसरे की बातों को आसानी सुन सकते थे। इसलिए जैसे ही आतिफ ने रब्ता मुनक़ते किया, उसे इमरान की आवाज़ सुनाई दी। पहले वाला भी मौजूद है या वो चला गया? दोनों दिखाई दे रहे हैं सर, कभी एक आगे हो जाते हैं कभी दूसरा। हाँ, ऐसा ही होगा, उनकी कोशिश है कि हमें ताकुब की खबर ना हो। वैसे सर, बात कुछ उलट सी नहीं होगी कि दुश्मन मुल्क के जासूस सरकारी एजेंसियों के आदमियों का ताकुब कर रहे हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है, असल बात का पता तो फैसल के होश में आने पे चलेगा।
अलबत्ता मेरा अंदाजा यही है कि उन्हें हम में से किसी बंदे की जरूरत है, वो फिर आप ही हो सकते हैं, इरफान बर्जस्ता बोला, शायद वो मबहम लहजे में बोला। इसी दौरान वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए थे, दोनों ताकुब बरदार भी उनके पीछे ही अंदर घुस आए थे। अगर इरफान का अंदाजा दुरुस्त है तो आपको यहाँ रुकने के बजाय आगे जाना चाहिए, आया ये आपका पीछा करते हैं या यहीं रुकते हैं, मशवरा देने वाला इमरान था। ठीक है, इरफान मेरे साथ रहेगा, बाकी यही रह जाए, आतिफ फौरी तौर पे इमरान से मुत्तफिक हो गया। फैसल को गाड़ी से उतारकर उसने गाड़ी वापस मोड़ ली। आप तमाम यही रहना, सिर्फ अख्तर और सगीर हमारे पीछे आएंगे, आतिफ हदायत जारी करता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आ गया। वापसी के लिए मुड़ते वक्त उसे दोनों दुश्मन नजर आ गए थे, एक सरसरी निगाह उन पर डाल के वो गाड़ी हॉस्पिटल से बाहर ले आया। इतनी रात के भी पहली घंटी भी उसका फोन अटेंड कर लिया गया था। हेलो, फासिल खान की आवाज़ में छुपा इज़्तिराब उससे मुख्फी नहीं रह सका। सिर कैसा है रे, तो तुमने शेर खान को मार के अच्छा नहीं किया, वो छूटते ही बोला। छोड़ो सेठ, क्या फजूल बातें लेके बैठ के अपनी बेटी का हाल नहीं पूछोगे, उसे तो वादे के मुताबिक आपने रिहा करना था, आपकी मुँह माँ की रकम मैंने अदा कर दी है। मैंने कब उसके रिहा करने का वादा किया था? याद करो सेठ, मैंने सिर्फ ये कहा था उसके बाद मजीद रकम का मुतालबा नहीं करूँगा और अपने इस वादे पे मैं कायम हूँ। तो क्या मतलब, वो गड़बड़ा गया। मतलब वाजे है सेठ, अभी तक तो तुम्हारे साथ काफ़ी हिसाब किताब रहता है। मैं समझा नहीं मिस्टर, आप अपनी बात की वजाहत करें। इसीलिए तो फ़ोन किया था सेठ साहब, ताकि तुम्हें कुछ भूली बसरी यादें याद दिला दूँ। फिदवी को इस्माइल शाह गाजी कहते हैं, पहचाना? मगर तुम क्या हुआ सेठ साहब, तुम्हारी जुबान क्यों अटकने लगी? मेरे जैसे बंदे तो आपके हारियों और मिजारियों से भी गए गुजरे होते हैं, फिर ये घबराहट कैसी? शाहजी, मैं अपने रवैये पे माजरत हुआ हूँ। अरे वाह, इतना बड़ा करम मुझ पर, कि इज्जत माँ आपसे। फासिल अली खान साहब बाकलम खुद माफ़ी के ख्वासतकार हैं। देखो शाहजी, हम मिल बैठ के अपने दरमियान मौजूद गलत फहमियाँ ख़त्म कर सकते हैं। देखो मिस्टर बनावटी सेठ, हमारे दरमियान कोई गलत फहमी नहीं, जो बात है बड़ी वाजे है, इसलिए ड्रामेबाजी बंद करो और सिर्फ मेरी बात सुनो। तुमने मेरे घर की जो कीमत लगाई थी वो नहायत हकीर थी, हालांकि उसकी कीमत इतनी बनती थी जितनी मैंने अभी वसूल की है। ये तो हो गई एक बात, अब दूसरी सुनो। मुझे अपनी माँ का कातिल दरकार है, वो कौन था और उस टाइम कहाँ मिलेगा? उन दोनों को आप कार धमाके में कत्ल कर चुके हैं, फाजिल खान थूक निकलता हुआ बोला। झूठ नहीं चलेगा सेठ साहब, कसम खुदा की ये सच है। खुदा का नाम ना लो सेठ साहब, तुम्हारे गलीज मुंह से ये पाकीज़ा नाम बहुत ओपरा ओपरा सा लगता है। शाहजी, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी माँ को कत्ल करने वाले दोनों हलाक हो चुके हैं, यकीन तो नहीं आ रहा, बहरहाल मजबूरी है। शाहजी, अब तो गुड़िया को छोड़ दो, आपने अपना बत्ता ले लिया, इसके अलावा भी अगर कोई जुर्माना है तो मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ। फाजिल अली खान के लहजे में अजीब किस्म की इनकसारी और लजाजत दर आई थी। उसके मुतल्लिक कल बात होगी सेठ साहब, फिलहाल इतना याद रखना कि पुलिस के साथ राब्ता करने या किसी को मेरे मुताबिक इतला देने से तेरी बेटी की सख्तियों में इजाफा होगा। मुझे कल वाला इस्माइल समझने की गलती नहीं करनी, आज मैं अकेला नहीं हूँ, तुमसे भी बड़ा ग्रोह मेरी पुष्ट पे है। गो मैं उसका सरबरा तो नहीं हूँ, लेकिन उसके बड़े का मंजूर नजर जरूर हूँ और वो मेरी कोई बात भी रद्द नहीं करता। मेरा ख्याल है आपकी तसल्ली के लिए इतना काफी होगा। शाहजी, मैंने पहले भी पुलिस को इतला नहीं की थी, अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। इसके साथ ही इस्माइल ने रब्ता मुनकते कर दिया। फाजिल ने जल्दी से उसे दोबारा रिंग किया मगर नंबर उसे बंद मिला। फाजिल खान सर पकड़ के सोफे पे बैठ गया, सूरत हाल उसकी तवक्को से भी खराब थी। उसके मेहमान गुमान में भी नहीं था कि इस्माइल शाह, जो उसके नजदीक किसी कीड़े से भी ज्यादा बेबस और मजबूर था, उससे ऐसा इंतकाम लेगा। उसे कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी, उसका सबसे कीमती आदमी इस्माइल पहले हिलने में ही हलाक कर चुका था, अब उसे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता था जिससे वो मशवरा ही कर लेता। उसका एसपी से रबते का इरादा डानो डोल हो चुका था कि इस्माइल के मुतलिक इतला देने से लाजमन पिछली बातें जेरे गौर आती जो उसके हक में बेहतर नहीं थी। नेवी से मदद मांगने में भी उसकी सुबकी थी, काफ़ी गौर करने पर भी जब उसके जेहन में कोई तरकीब ना आई तो उसने मजबूरन नींद की गोलियों की शीशी उठाई और इकट्ठी 4-5 गोलियाँ निकल कर बिस्तर पर लंबा हो गया। शायद थोड़े आराम के बाद वो कुछ बेहतर फैसला करने के काबिल हो पाता। सर, दोनों आपके ताकुब में हैं, आतिफ के कानों में अख्तर की आवाज़ गूंजी। इन दोनों के अलावा कोई नजर आया? नहीं सर। ठीक है, मैं गेस्ट हाउस का रुख कर रहा हूँ, इस गली में उन्हें घेरना है। ठीक है सर, हम दोनों तैयार हैं। थोड़ी देर बाद ही आतिफ रोड छोड़कर गलियों में घुस गया था। 2-3 मोड़ काटने के बाद ही उसने एक मुनासिब मकाम पर कार रोक दी। दोनों मोटरसाइकिल सवार उस वक्त कार के काफ़ी नज़दीक थे। कार उसने उस तिरछी करके रोकी थी कि वो आगे गुजर कर नहीं जा सकते थे।
बिजली किसी सरद से वो और इरफान नीचे उतरे। उनके हाथों में मौजूद पिस्तौलों का रुख दोनों मोटरसाइकिल सवारों की जानिब था। वो दोनों आगे पीछे आ रहे थे। पिछले सवार ने मोटरसाइकिल को तेजी से पीछे मोड़ा, मगर उस वक्त तक अख्तर और सगीर अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी करके नीचे उतर चुके थे और उनके हाथों में चमकने वाले पिस्तौलों ने दोनों मुजरिमों को रुकने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों के अलावा एक कार सवार और एक मोटरसाइकिल सवार भी आती पार्टी के घेरे में आ गए थे। वो गरीब ही घबराहट के आलम में नीचे उतर आए, मगर उन्हें कुछ कहे बगैर आतिक मुजरिमों से मुखातिब हुआ। अगर जहमत ना हो तो अपने हाथ सर से बुलंद कर लो, ये क्या मजाक है, एक मोटरसाइकिल सवार तल्खी से बोला। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले उसके नजदीक पहुंचने वाले इरफान ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे रसीद किया और उसके हाथ खुद ब खुद सर से बुलंद होते गए। दूसरा पहले ही ऑर्डर पे अमल कर चुका था। थोड़ी देर बाद उनके हाथ पुश्त पे जकड़ के वो उन्हें कार की पिछली नशीस्त पे मुंतकिल कर चुके थे। गेस्ट हाउस वहां से नजदीक ही था। कार साइड पे आ करके आतिक ने गैर मुतलका अफराद को वहां से जाने का इशारा किया और वो कान दबाते हुए रफू चक्कर हो गए। उनके मोटरसाइकिलें भी गेस्ट हाउस में ले आओ, अख्तर से कहकर वो इरफान के साथ गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ गया। लेकिन उससे कबल वो मुजरिमों की आंखों पे पट्टी बांधना नहीं भूला था। उन्हें तहखाने में मुंतकिल करने के मुताबिक ऑर्डर देकर वो इमरान से रब्ता करने लगा। जी सर, इमरान फैसल के साथ इलियास को छोड़कर बाकी फौरन गेस्ट हाउस पहुंचो। दोनों आदमी हमने गिरफ्तार कर लिए और इनके ठिकाने की बाबत उकलवाते ही इनके बाकी साथियों की सरकोबी के लिए जाना पड़ेगा। मेरा अंदाजा है हम मेजर रोहित के नजदीक पहुंचने वाले हैं। हम पहुंच गए सर, इमरान ने कहा और आतिफ रब्ता मुनकते करता हुआ तहखाने की तरफ बढ़ गया। इरफान दोनों को फर्श में गड़ी कुर्सियों से जकड़ कर उनकी आंखों से पट्टी उतार चुका था। तो क्या ख्याल है दोस्तों, मुझे जहमत करनी पड़ेगी या तुम खुद ही सब कुछ बता दोगे? भाई जान, हम शरीफ आदमी हैं, आपको कोई गलत फहमी हुई है? किसके मुतालिक गलत फहमी हुई है? हमारे मुतालिक। तुम दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं, वही पहला वाला आदमी बोला। तो फिर तुम अपनी बात करो, दूसरे की वकालत क्यों कर रहे हो? मेरा अंदाजा है कि ये भी मेरी तरह बेगुनाह होगा। ये पिस्टल तुम्हारे हैं? आतिक ने उनकी जेबों से निकलने वाले पिस्टल उनकी आंखों के सामने ले आए। जी, तो शरीफ आदमी जेबों में पिस्टल लिए फिरते हैं? सर, आपको तो पता है कराची के हालात का। बस बहुत होगी यार, अब फटाफट मेजर रोहित के ठिकाने के बारे में उकल दो। कौन मेजर रोहित? क्या तुम भी मेजर रोहित को नहीं जानते? इस दफा आतिक का मुखातिब खामोश बैठा आदमी था, उसने भी नपीने सर हिलाया। इरफान, तुम ही ने कुछ समझाओ, मेरी बात तो इनके पल्ले नहीं पड़ी। बस सर, चंद मिनट की बात है, आप देखें कि मैं इनकी याददाश्त कैसे तेज करता हूँ। इरफान चहका, यार टाइम बहुत कम है। सर, बस चंद मिनट। उसने नीचे बैठकर दोनों के पूट खोले और दोनों की पुंडलियों को लोहे की रॉड से कुर्सी के पाए से जकड़कर उसने एक बटन दबाया तो कुर्सी के पाए 6 इंच बुलंद हो गए। अलमारी खोलकर उसने 4 मोमबत्तियां निकालकर जलाई और तरतीब से उनके कदमों के नीचे रखकर वो आतिफ से बोला, सर आप पिछले दिन सिरी पाई बनाने की तरकीब पूछ रहे थे ना, तो पाई बनाना तो अभी सिखा देता हूँ। सिरी फिर कभी सही। ये अल्फाज उसके मुंह में थे कि दोनों के मुंह से कराहें बुलंद होनी शुरू हो गई। सर आप इन आवाज़ों पे ध्यान ना देना, हांडी पकने की आवाज़ तो आती ही रहती है, प्लीज़ इन्हें हटाओ, मैं बताता हूँ, खामोश रहने वाला आदमी चीख पड़ा। जबकि दूसरा होंठ भींचे तकलीफ को जब्त करने की कोशिश कर रहा था, पहले बताओ वो अड्डे नंबर 3 में है, एड्रेस बताओ। आतिफ मुस्तफसर हुआ और उसने बड़ी सरत से रोहित का एड्रेस उकल दिया। आतिफ ने आंख के इशारे से इरफान को मोमबत्ती हटाने का इशारा किया और दूसरे से मुखातिब हुआ, क्या ये सही बता रहे? यही है। तकलीफ की शिद्दत से उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से आवाज निकली थी। इरफान ने दोनों के पाँव के नीचे से मोमबत्तियां हटा दी थी, मगर उनके मुंह से दर्द भरी कराहें खारिज होती रही। जलने की तकलीफ इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती थी। उसके साथ वहां कितने आदमी होंगे? वो अकेला रहना पसंद करता है। इसका मतलब वह तुम्हारे बाकी साथी किसी और ठिकाने पे होंगे? जी, वो होंठ भींचता हुआ बोला। लगे आ तो उनके एड्रेस भी दोहरा दो। जवाबन उसने 2-3 एड्रेस दोहरा दिए। इरफान ने जल्दी से एक नोटबुक में दर्ज कर लिया। उसी वक्त इमरान ने कमरे का दरवाजा खोलकर पूछा, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं, आतिफ मुस्कुराता हुआ बोला, हम बाहर आ रहे हैं। चंद लम्हों बाद तो सब आतिफ के दफ्तर में रोहित को घेरने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। तुम कब तक मुझे कैद रखोगे? इस्माइल ने जैसे उसके सामने खाने के बर्तन रखे वो जैसे गुस्से से फट पड़ी। मेरा ख्याल है तुझे इज्जत रास नहीं है। इस्माइल के लहजे में कोई ऐसी बात जरूर थी कि वो लरस गई, लेकिन उसकी जुबान नहीं रुकी और वो उसी लय में बोली, आखिर किस गुनाह का बदला ले रहे हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? अगर आपकी दुश्मनी डैडी से है तो मर्दों की दुश्मनी में औरतों का क्या काम? ये तो बहुत पुराना कानून है बेबी, कि मर्दों की लड़ाई में लोंडी औरत को बनना पड़ता है। खिलाफ तवक्को इस्माइल का लहजा नरम हो गया। पहले अपने दुश्मन को शिकस्त तो दे लो।
ना चाहते हुए भी हिना का लहजा तनसिया हो गया। आप तो औरतों के सर पे दुश्मन को शिकस्त देना चाह रहे हैं और ये मर्दों का सेवा नहीं होता। ना हो मर्दों का सेवा, कुछ कमीने दुश्मन ऐसे होते हैं कि उनकी मुखालफत में हर अमल का जवाब पैदा हो जाता है। ये भी कमजोरों की घड़ी कहावत है, हिना ठोस लहजे में बोली। वो यूनिवर्सिटी की तालबा थी, लिफाजी से शिकस्त नहीं खा सकती थी। ये तुम इसलिए कह रही हो कि असल हालात से ना वाकिफ हो, वरना ऐसी बात कभी ना करती। कि आपकी सोच है, शट अप, आराम से खाना खाओ। वो धारते हुए कमरे से निकल गया। हिना के लबों पे मुस्कुराहट खुल गई। ये उसके हार जाने की अलामत थी कि वो कमरे से वॉकआउट कर गया था। वो खाने की तरफ अतवचे होगी, बामुश्किल खाने से फारिग हुई थी कि इस्माइल एक खुली बोतल हाथ में पकड़े अंदर दाखिल हुआ। बोतल पे लिखे लेबल को पढ़े बगैर वो जान गई कि वो उम्र खबाइस से जी बहला रहा है। उसका दिल किसी अनजाने अंदेशे से धड़कने लगा, मगर इस्माइल उसकी हालत गौर किए बगैर कुर्सी घसीट कर उसके सामने बैठ गया। चंद बड़े बड़े घूंट लेकर उसने बोतल में मौजूद मशरूब की मकदार में खातिर ख्वाह कमी की और फिर किसी गहरी सोच में खो गया। उसके अंदाज से हिना को यह अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि वो उसे कोई अहम बात बताने लगा था और फिर उसकी लबकुशाई ने हिना के अंदाजे की तस्दीक कर दी। मेरा नाम सैयद इस्माइल शाह गाजी है। उसका खोया खोया सा लहजा अजीब असर लिए हुए था। अबू का नाम सैयद इब्राहिम शाह गाजी था। गुर्बत और तंगदस्ती के बावजूद उसने हद्दुल वसा मुझे आला तालीम दिलाने की कोशिश की। मेरा इरादा डॉक्टर बनने का था, लेकिन कोशिश के बावजूद अबू जाने खराजात पूरे न कर सका। मजबूरन मुझे कॉमर्स में दाखिला लेना पड़ा। एम कॉम फर्स्ट डिवीजन की डिग्री लेने के बावजूद मुझे कोई जॉब नहीं मिली। छोटी बहन के जहेज में पड़े जेवर बेच कर मैंने रिश्वत के पैसे पूरा करने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती की उस रकम ने आधे घंटे से ज्यादा मेरा साथ नहीं दिया और किसी कल ने मेरी जेब काट ली। मैं उस जान का हादसा की इतला अम्मी अबू को देने की जरूरत नहीं कर सका और एक दोस्त के मशवरे से स्टील मिल में मजदूरी शुरू कर दी और वालदेन के सामने ये झूठ गड़ा कि मुझे नौकरी मिल गई है। छोटी बहन रिहाना, जिसे मैं प्यार से गुड़िया कहता था, बहन का नाम आते ही उस सीना तलखी से भर गया और वो बोतल मुँह से लगा कर खटाखट पीने लगा। पता है वो कैसी थी? जवान होने के बाद कभी मैंने भी उसे नंगे सर नहीं देखा था। ये कहकर वो खामोश हो गया। बोतल में मौजूद बची कुची शराब मेदे में उंडेल कर वो उठा और कमरे से बाहर निकल गया। चल नम्हो बात हुई, एक नई बोतल के हमरा नम उतार हुआ कुर्सी संभालते ही उसने सिलसिला कलाम जोड़ा। हमारे पास ले दे के जाती मकानी ऐसी पूंजी थी जिसकी वजह से हमारी सफेद पोशी का भरम बाकी था। बदकिस्मती से वो मकान एक हवस परस्त इबलीस की निगाहों में समा गया। हुआ कर जैसे कि हमारे घर के साथ एक प्लॉट काफी अरसे से खाली पड़ा हुआ था। उसके साथ हमारा एक पड़ोसी भी, जिसका मकान हमारे घर से मुतसिल था, वहां से अपने बच्चों के पास शिफ्ट हुआ और अपना मकान उसे बेचना पड़ा। ये दोनों जगहें खरीदने के बाद उसकी निगाहें हमारे मकान पे पड़ी, जिसे खरीद के वो वहां पे एक शॉपिंग प्लाजा तामीर कर सकता था। इस मकसद के लिए उसने हमारा मकान खरीदना चाहा और पता है उसकी क्या कीमत लगाई? 3 लाख रुपए। इतनी रकम से तो आजकल गधा गाड़ी नहीं आती। यही बात जब मैंने उसके सामने कही तो उसने मुझे जवान बहन का हवाला देकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जवान खून कहाँ किसी की धमकी सुनता है। मैंने भी उसके मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया और यहीं से मेरी बदबख्ती की शुरुआत हुई। गुड़िया औरतों के एक स्कूल में सिलाई का काम करती थी। उसने इलाके के थानेदार के साथ साज बाज करके गुड़िया को स्कूल से उठवा लिया। मुझे और अबू को जब खबर मिली कि गुड़िया थाने में है, हम भागम भाग वहां पहुंचे। हमें बताया गया कि गुड़िया एक आदमी के साथ शर्मनाक हालत में पकड़ी गई है। इस खबर का मुझ पर जो असर होना था सो हुआ। अबू जान को तो यह सुनकर हार्ट अटैक हो गया। मैं जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गया और अपने दोस्त को भी फोन करके अस्पताल बुला लिया। उसके पहुंचने पर मैंने अबू को उसकी निगरानी में छोड़ा और खुद थाने पहुंचा। वहां जाके थानेदार की जुबानी पता चला कि गुड़िया को रिहा कर दिया गया है। मैं थाने से घर पहुंचा तो वहां एक और रूप परसा मंजर मेरा मुंतजिर था। मेरी मोहब्बत करने वाली माँ घर के सहन में तड़पते हुए आखिरी सांसें ले रही थी और उसकी वजह उसके पहलू में घुसा हुआ खंजर थी। मैंने खंजर उनके पहलू से निकाल कर फेंका और किसी गाड़ी रक्शे की तलाश में जाने के इरादे से घर से बाहर की जानब लपका, मगर उसी वक्त पुलिस वहां आन पहुंची और मुझे अपनी ही माँ के कत्ल में गिरफ्तार कर लिया गया। मैं चीखता चिल्लाता रोता पीटता रहा, मगर किसी ने मुझ पर तरस नहीं खाया। साजिश बिल्कुल मुकम्मल थी। खबर लगी, एक गैरतमंद भाई को जब बहन की बच चलनी के बारे में मालूम हुआ और यह पता चला कि इस काम में उसकी माँ भी बहन के साथ शामिल है, तो उसने अपनी माँ को हिला कर दिया। शरीफ बाप को यह सुनकर हार्ट अटैक हो गया और वो अस्पताल में चल बसा, जबकि बहन घर से फरार हो गई। हिना फाजिल अली खान, तुम अंदाजा कर सकते हो कहानी कितनी परफेक्ट थी। फिर उसी
बस ना हुआ, बल्कि उसी दिन सेठ फाजिल अली खान का एक चेला मुझसे मकान की मलकियत के कागजात साइन कराने आ पहुंचा। मेरे एग्जाम में मेरे पास गिनवाने को कुछ नहीं बचा था, गवाने को कुछ नहीं बचा था। मैंने कागजात साइन करने से इनकार कर दिया, जिसकी पादाश में मुझे रात और रात थाने से सेठ के अड्डे पे मुंतकिल कर दिया गया और मेरे सामने मासूम गुड़िया को लाया गया, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो उस भाई की बहन थी जो उसके नाम का ताना बर्दाश्त नहीं कर सका था। जब जवान बहन सामने लाई की तो मैं इनकार ना कर सका और जायदाद के कागजात साइन करके दे दिए, मगर सेठ फाजिल अली खान ने उस वक्त वो घटिया हरकत की, वो इंसानियत सोच सलूक किया जिसकी तकलीफ आज भी मेरे सीने में छुपी है। उसने मेरी आंखों के सामने मेरी मासूम गुड़िया को चारपाई से बांध के शिद्दत गम से इस्माइल की आवाज़ हलक में घुट गई और चंद लम्हों तक बोलने के काबिल नहीं रहा। मैंने आंखें बंद कर ली थी मगर वो चीखें आज भी मेरी समाअत में जिंदा है। मैं सोता हूँ तो मुझे जगा देती है, मुझे किसी करवट चैन नहीं लेने देती। फिर उसी पे एक दफा नहीं किया गया, उसके बाद उसके गर्गों ने भी इस मासूम को पामाल किया। उस 17-18 साल की मासूम बच्ची क्या बीती होगी उस पे। मुझे बेहोश करके वापस थाने भेज दिया गया कि उसकी नज़र में मेरी सजा पे अमल दरामद हो चुका था, मगर वो ये भूल गया था कि ये दुनिया है जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है। ये महकों को तो महंगी है, ये सस्तों को ये सस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। उसने जब मेरी बहन का नाम लिया था तो मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। उसके बदले उसने मेरी बहन को किसी काबिल नहीं छोड़ा और ये सारा काम मेरी निगाहों के सामने किया गया। लेकिन ये टाइम उस पे भी तो आना था और अब आ क्या है, मुझे थाने भिजवाकर मेरी बहन को छोड़ दिया गया, मगर वो जिंदा नहीं रह सकी और गाड़ी के सामने छलांग लगाकर अपनी मोहब्बत करने वाली माँ शफीक बाप के पास पहुंच गई। लेकिन मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप की, एक हवस परस जालिम सेठ से बदला लेने की जिम्मेदारी, एक कत्ल के जुर्म में कैद मुलजिम के लिए ये नामुमकिन बात थी मगर मेरे खुदा के लिए नामुमकिन नहीं थी। एक फरिश्ता सीरत शख्स ने मुझे हवालात से फरार कराया, इस काबिल बनने में मदद की कि आज मैं उस सेठ की नींदें उड़ा सकूं। अब बताओ ही ना फाजिल अली खान कि बुज़दिल कौन है, मैं या तुम्हारा जालिम बाप। इस जंग में औरतों को घसीटने वाला कौन है, मैं या सेठ फाजिल। अगर उसने मेरी मासूम बहन के साथ ऐसा शर्मनाक सलूक किया तो क्या मुझे यह हक हासिल है कि नहीं कि मैं भी उससे वैसा ही बदला ले सकूं। क्या मैं उसे वैसा ही दुख पहुंचाने का हकदार नहीं हूं? बताओ बताओ। इस्माइल की आवाज़ बुलंद होगी। हिना ने खामोशी से सर को झुका लिया और इस्माइल बोतल मुंह से लगाए कमरे से निकल गया। आज उसे एक बहुत बड़ा फैसला करना था। हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, किसी भी लम्हे वो अपने आदमियों की गिरफ्तारी से वाकिफ होकर अपना ठिकाना बदल सकते हैं। असूली तौर पर तूने अब तक पता चल जाना चाहिए था, आतिफ के जवाब में इमरान बोला। ऐसा ही है, अभी थोड़ी देर पहले उनके मोबाइल पे रिंग आया था, मैंने कॉल अटेंड करने के बजाय मैसेज लिख दिया कि हम फिलहाल बात नहीं कर सकते, थोड़ा इंतजार करो और दोबारा कॉल भी ना करना। तो फिर चले सर, टाइम कम है। उन दोनों ने अपने 3-4 ठिकानों के मुतालिक बतलाया है, जिनमें से सबसे अहम मेजर रोहित का ठिकाना है कि सरगना वही है और सबसे पहले उसी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ बाकी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए यूं करते हैं कि इरफान तुम अपने साथ सगीर अख्तर और सुहेल को ले जाके उनके बाकी ठिकानों पर हल्ला बोलो, मैं इमरान आमिर और अमजद के साथ मेजर रोहित को घेरता हूँ। ठीक है सर, इरफान इस्बात में सर हिलाया। कोई इस फैसले में तरमीम करना चाहता हूँ, हसब आदत आतिफ ने पूछा। नहीं सर, तमाम बेग जुबान बोले। तो फिर चलो, आतिफ खड़ा हो गया और तमाम उसके हमरा बाहें निकल आए। थोड़ी देर बाद वो मुख्तलिफ गाड़ियों में सवार अपनी अपनी मंजिल के जानेब रवा दवा थे। गेस्ट हाउस ही से वो मुखालिफ सिमतों में रवाना हो गए। आतिफ और इमरान एक गाड़ी में थे जबकि आमिर और अमजद दूसरी गाड़ी में। आमिर, तूने कार मकान की पिछली सिमत ले जाके रोकनी है। गेस्ट हाउस से थोड़ा आगे बढ़ते ही आतिफ ने ऑर्डर पास किया, वो बजरिया वायरलेस रबते में थे। ओके सर, आमिर मुख्तसरन बोला। बाहर रुकने की ज़रूरत नहीं, तमाम इकट्ठे अंदर घुसेंगे। आमिर और अमजद पुश थे जबकि इमरान और मैं सामने से। अमजद ने मशवरा देते हुए कहा, कम अज़ कम एक बंदे को तो बाहर होना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं, नफरी कम है, यूँ भी अगर उन्हें अपने आदमियों के गिरफ्तार होने की इतला हो गई हुई तो वो अपना तफरी में भागने की कोशिश करेंगे, उसके बरक्स होने की सूरत में वो गाफिल होंगे और उन्हें अंदर घेरना ही फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे आपकी मर्जी सर। नहीं अमजद, बात मेरी मर्जी की नहीं और ना ही कभी मैंने अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश किया। आप दलील से बात करो और अपनी बात मनवा लो। मुझे आपसे इत्तफाक है सर, और आतिफ थैंक्स कहकर खामोश हो गया। मतूबा मकान के पास पहुंचते ही आमिर गाड़ी मकान की पुश्त की जानिब ले गया जबकि आतिफ ने एक मुनासिब जगह देकर मकान के सामने गाड़ी रोक ली। तुमने दाएं साइड
कवर करनी है, इमरान से कहकर वो खुद बाएं तरफ बढ़ गया। दीवार की ऊंचाई बामुश्किल 7 फुट थी। वो बगैर किसी दिक्कत के उसके ऊपर से कूदते हुए अंदर पहुंच गए। हम अंदर पहुंच गए हैं सर, आतिफ के कानों में आमिर की आवाज गूंजी। हम भी, वो मुख्तसरन बोला। इमरान, मैं सामने से अंदर घुस रहा हूँ, तूने दाएं जानिब की खिड़कियों को कवर करना है। अमजद, तुम बाएं साइड पे आ जाओ, जबकि आमिर तुम पुश्त पे ही रहो। पिस्टल को एहतियात से संभालते हुए वो बरामदे में घुसा। ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर उसने अंदर झांका, कोई भी मौजूद नहीं था। अंदर घुस के उसके कदम अगले कमरे की जानिब बढ़े। उसी वक्त उसे इमरान की ललकार सुनाई दी, हैंड्स अप। उससे मुझसे ली गोली चलने की आवाज गूंजी और फिर इमरान की तेज कराह सुनते ही वो तेज कदमों से बाहर की तरफ भागा। इमरान उसे हाथ टेक कर जमीन से उठता नजर आया। उसे नजरअंदाज करके वो बाहर की तरफ भागा। दरवाजा खोलने का तकल्लुफ किए बगैर वो दीवार के ऊपर से होता हुआ बाहर आ गया, मगर मुजरिम गायब था। थोड़ी देर दाएं बाएं घूम कर वो वापिस मकान में आ गया। उस रस्ता में अमजद उसकी तकलीफ में बाहर निकल आया था। उसे बाहर रहने का इशारा करके वो अंदर घुसा तो उसे इमरान और आमिर एक बूढ़े आदमी को गिरफ्तार किए दिखाई दिए। अंदर तो सिर्फ यही है सर, आमिर उसे देखते हुए बोला। मेरा ख्याल है भागने वाला मेजर रोहित था। यकीनन वही था सर, सॉरी कि वो मेरी गफलत की वजह से भाग गया। गफलत नहीं, कमजोरी कहो इमरान। ऐसा ही है सर, इमरान ने सर झुका दिया। वैसे हुआ क्या था सर? वो अचानक खिड़की में नमूदार हुआ, मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। पिस्टल की वजह से मैं कुछ ज्यादा ही लापरवाह था। मेरे ललकारने पे जब वो ना रुका तो मैंने उसकी टांग पे गोली चलाई, मगर अपनी फुर्ती की वजह से वो बच गया। और इस पहले के वो दूसरी मर्तबा ट्रैकर दबाता, उसकी फ्लाइंग किक मेरा हाल पूछ चुकी थी। चलो कोई बात नहीं सर, वो मेरी तवक्को से ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ। हाँ, काफी मुंजा हुआ एजेंट है। इस बारे में आप लोगों को तफसील से ब्रीफ कर चुका हूँ और फिर हमीद और जफर का अंजाम आप लोगों के सामने है। बहरहाल अब यूं करो आमिर, तुम उसे बाहर ले जाके कार में बिठाओ, इमरान और मैं मकान की तलाशी लेके आते हैं। आमिर सर हिलाते हुए उस बूढ़े को साथ लिए मकान से बाहर निकलता गया, जबकि आतिफ और इमरान अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गए। मेजर रोहित की खुशकिस्मती के खटके की आवाज सुनकर वो बाहर की तरफ अतवज्जे हुआ। खिड़की के शीशे से उसे एक आदमी मुहतात अंदाज में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वो समझ गया कि उसे घेरा जा रहा है। उसने सरत से फैसला करते हुए फरार के लिए वही सिंह मुंतखिब किया और अगले लम्हे वो खिड़की खोलकर बाहर कूद गया। हैंड्स अप, वो आदमी जोर से ललकारा। उसके साथ ही उसके पिस्टल का रुख रोहित की टांगों की तरफ हो गया, जिससे रोहित को समझने में देर नहीं लगी कि उसका मकसद सिर्फ उसे जख्मी करना है। उसके ट्रैगर पे धरी उंगली पे नजर रखते हुए रोहित तेजी से उसकी सिम पड़ा और फिर उंगली की मामूली सी जंबिश को देखते हुए वो जोर से उछला। गोली उसके कदमों के नीचे से निकल गई। इससे पहले कि वो आदमी अगली गोली फायर कर पाता, उसने एक जोरदार किक उसके सीने पे दे मारी और उसके नीचे गिरते ही वो रुके बगैर भागता चला गया। न जाने कितने आदमियों ने मकान को घेरा हुआ था। बजाय गली में कूदने के वो साथ वाले मकान की दीवार फलांगता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसकी खुशकिस्मती के सहन में कोई नहीं था। उस मकान से मुतसिल मकान में घुसकर उसने पिछली तरफ की दीवार से गली में झांका और गली को खाली पाकर बाहर कूद गया। वहां से तेजी से दूर जाते हुए उसने मोबाइल निकालकर रणधीर का नंबर डायल किया। जी सर, अभी तक उन दोनों आदमियों की तरफ से कोई इतला नहीं आई। जैसे ही वो दोनों उल्लू के पट्टे पकड़े गए हैं, तुम फौरी तौर पे अपनी जगह छोड़ो और तमाम को फोन करके यही बात बता दो। उन दोनों को जो जो बातें मालूम थी दुश्मन उनसे पूछ चुके होंगे, इसलिए तमाम एहतियातें ब्रोकार ले आओ। पता है ना क्या क्या करना है? जी सर। ओके, फिर कल शाम को जगह मिलेगी जहाँ पहली मरतबा इकट्ठे बैठ के खाना खाया था। अब इस नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं, मैं नंबर बदलने लगा हूँ। ठीक है सर, मैं समझ गया। बाकियों को भी मैं नंबर बदलने का कह देता हूँ। बस जो करना है सरत से करो, दुश्मन किसी टाइम भी तुम्हारे ठिकाने पे हल्ला बोल सकते हैं। ये कहते ही उसने रब्ता मुनकते किया और मोबाइल गंदे नाले में उछालकर करीब से गुजरती हुई एक टैक्सी इशारे से रोककर उसमें बैठ गया। उसका इरादा उस ठिकाने पे जाने का था जिसके मुतालिक रणधीर भी नहीं जानता था। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब, मेरा नाम इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन है और SP साहब ने आपकी बेटी की अगवा का केस मेरे हवाले किया है। वालेकुम सलाम इंस्पेक्टर साहब, प्लीज तशरीफ रखें। फाजिल खान ने खड़े होकर उससे मुसाफा किया। दिलशाद अमीन का नाम सुनकर कुछ भूली बसरी यादें उसकी सोच में तराई थी। कुछ भी था, SP साहब ने ही ना की बाजियाबी के लिए सही बंदे का इंतखाब किया था। फाजिल आंखें बंद करके उस पर एतमाद कर सकता था। इंस्पेक्टर दिलशाद की ईमानदारी में उसे कोई शुबा नहीं था। इंस्पेक्टर शुक्रिया कहते हुए सोफे पे बैठ गया। सेठ साहब, क्या ब्लैकमेलर का दोबारा कोई फोन आया है? एक लम्हा सोचने के बाद फाजिल ने कहा। जी इंस्पेक्टर साहब, रात को 2:30-3 बजे के करीब उसका फोन आया था। क्या कह रहा था? क्या फिर कोई नया मुतालबा किया है उसने? वो मेरा एक पुराना दुश्मन है इंस्पेक्टर साहब, मेरा भी यही अंदाजा था। बहरहाल कौन है, दुश्मनी की वजह और क्या चाहता है?
उसका नाम सैयद इस्माइल शाह गाजी है इंस्पेक्टर साहब। दुश्मनी की वजह वही अमीर और गरीब की असली चपकलिश। कोई 2 साल पहले अपना मकान फरोख्त करने के सिलसिले में मेरे पास तशरीफ आवरी हुई थी। मैंने उसके मुतालबे से कम कीमत लगाई। मौसूफ नाराज होकर चला गया। उस वक्त उसे रकम की जरूरत थी, मगर मैंने कोई खैराती इदारा तो नहीं खोल रखा था कि 25-30 लाख के मकान के 2 करोड़ अदा करता। बाद में उसकी बहन किसी गाहक के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई थी, जिसकी वजह से मौसूफ के बाप को हार्ट अटैक हो गया और जनाब ने गुस्से में आकर अपनी माँ को कत्ल कर दिया कि वो भी बहन की सरगर्मियों में शरीक थी। बहन घर से फरार हो गई और यह हवालात में पहुंच गया। वहां से किसी मुजरिम तंजीम की मदद से फरार हुआ और आज मेरे गले आन पड़ा है। अपनी बर्बादी का जिम्मेदार वो मुझे गिनवाता है कि अगर मैंने उस वक्त उसकी मतलूबा रकम अदा कर दी होती तो हालात इस नहज पर ना पहुंचते। हालांकि कराची में और भी कई उमरा मौजूद हैं जो मुझसे कई गुना अमीर हैं, लेकिन मेरी बदबख्ती कि उस कमबख्त ने मेरे गले पड़ना था। अब अपनी बहन की बेइज्जती का बदला वो मेरी बेटी का हुआ करके ले रहा है। बात हलक से नहीं उतरी सेठ साहब, इतनी सी बात पे इतना बड़ा कदम कोई कैसे उठा सकता है और उसकी बहन की बेइज्जती से आपका क्या ताल्लुक? यही तो रोना है थानेदार साहब। वैसे उसका गुमान है कि अगर मैं उसका मकान खरीद देता तो उसकी माँ बहन पैसे की ज़रूरत को इस बुरे अंदाज में पूरा करने की कोशिश ना करती। यानी वही मिसल उस पर लागू होती है कि मारो घुटना फूटे आंख। अब वो माँ को कत्ल करने का जवाब ढूंढता फिर है या शायद उसमें उसे कोई कफारा नजर आ रहा है। बहरहाल कुछ भी है, मुझ पे तो कहर टूटा है ना। दिलशाद अमीन ने उसकी जानिब बगौर देखा, मगर सेठ फाजिल निगाहें चुरा गया। दिलशाद अमीन के गले से उसकी कहानी नहीं उतर रही थी, मगर वो उसकी मदद करने आया था और बज़ाहिर वो मजलूम था। उसने खामखा उसकी तरदीद करनी मुनासिब नहीं समझी और उसकी कहानी मनोऔन कबूल कर ली। वैसे ये कितना अरसा पहले की बात है, करीबन 2 साल होने को है, किस थाने की अमलदारी में ये केस हुआ था? जवाबन फाजिल अली खान उस थाने का नाम दोहरा दिया। अच्छा सेठ साहब, अब ये बताएं उसके बारे में कोई हल्का सा क्लू हो आपके पास, उसकी कोई फ़ोटो वगैरह जिससे मैं अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा सकूं? उसका फ़ोटो वगैरह तो शायद आपको थाने से मिल जाए। अलबत्ता उसका कोई क्लू होता मेरे पास तो वो सतह ज़मीन के बजाय ज़ेरे ज़मीन नज़र आता। अभी चंद लम्हे पहले तो आप बड़ी शिद्दत से खुद को मजलूम साबित कर रहे थे, इतनी जल्दी लहजा बदल लिया है? दिलशाद अमीन के लहजे में तंज की आमेजिश थी जो फाजिल खान को ये एहसास दिलाने के लिए काफ़ी थी कि दिलशाद ने उसकी कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे बंदे पे गुस्सा करना मेरी तिबी मजबूरी है। आखिर उस पलीद ने हफ्ते भर से मेरी मासूम बेटी को यार कमाल बनाया हुआ है। उसे मुंह मां की रकम भी अदा की जा चुकी है, इसके बावजूद उसने गुड़िया को रिहा नहीं किया। अब आप क्या चाहते हैं कि उसके बारे में मैं बुरा भी ना सोचूं? ऐसी कोई बात नहीं है सेठ साहब, ऐसे जालमों के लिए हम मौजूद हैं ना। काश ऐसा ही होता। इस दफ़ा फाजिल खान को पुलिस की नाकिस कारकर्दगी पे चोट करने का मौका मिल गया। ऐसा ही है सेठ साहब, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप चंद दिन इंतज़ार करें, अब जबकि मुजरिम के नाम का पता चल गया वो खुद भी ज़्यादा देर छुपा कर नहीं रख सकेगा। इंस्पेक्टर साहब, ये ना हो इस दौरान कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसका अजाला मुमकिन ना हो। फाजिल के लहजे में 1000 किस्म के अंदेशे पन्हा थे। मैं समझा नहीं सेठ साहब। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की करीबन उम्र 19 साल है, आगे आप खुद समझदार हैं। अल्लाह खैर करेगा सेठ साहब, मैं खुद भी एक बेटी का बाप हूँ और बाप का दुख मेरी निगाह से ओझल नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, यही बात जहन में रखकर तफ्तीश करना, इसके लिए मुझे आपकी हदायत की ज़रूरत नहीं है सेठ साहब। इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन खड़ा हो गया। बैठे ना इंस्पेक्टर साहब, चाय पानी तो पी कर जाएं। नहीं सेठ साहब, फिर कभी से इस वक्त इजाज़त चाहूँगा, और वो फाजिल से मुसाफा करके वहाँ से निकल आया। मुतालका थाने से इस्माइल शाह की फाइल निकालकर वो अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाना चाहता था।